हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और जैसा कि आपको पता है कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक की हमारी वीडियो में जो भी वीडियो हमारी आई थी वो परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर था। परफेक्ट कंपटीशन को हमने समझा था क्या क्या उसके वेरियस फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। फिर से हमने मोनोपोली के बारे में जाना था, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। आइए एकदम बेसिक से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है। लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल क्लोजली रिलेटेड एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखो, ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले जो भी बात करी थी ना, हमने इसके पहले जो भी बात करी थी, आइदर इट इज योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और बात करी थी हमने मोनोपोली के बारे में, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने देख लिया था कि होमोजेनियस प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, और डिफरेंशिएटेड को अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स भी होंगे, बहुत सारे सेलर्स भी होंगे, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर हैं, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। जैसे आज का जो अभी रियल मार्केट देखते हो आप, जैसे आपका सोप का मार्केट हो गया, टूथपेस्ट का मार्केट हो गया, सोप में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, है ना। टूथपेस्ट की बात करिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो जो रियल मार्केट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं ना, वही होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, क्लियर। अब ये दोनों ध्यान रखिए, मोनोपोली और कंपटीशन को मिला के आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बना हुआ है, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक का तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जब भी इसको डिफाइन करते हैं, ये जरूर लिखिएगा आप कि इट सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे वहां पर ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, राइट। अब अगर फीचर की बात करते हैं, यहाँ पे भी इसके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन और शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व। आज भी इस पांच फीचर्स के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, राइट। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अगर हम इसको कंपेयर करके आपको बताएं कि हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर देखा था, यहां भी आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, लेकिन इन ऑर्डर टू कंपेयर योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, अगर हम कंपेयर करें तो वहां हमने होमोजीनियस प्रोडक्ट देखा था, ठीक है, लेकिन यहां पे अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी अभी एग्जाम्पल बताया ना कि आप कुछ सपोज करो कोई सूप लेने गए हो मार्केट के अंदर, है ना, कोई मान लो डव लेने जा रहे हो, डव अगर दुकानदार के पास नहीं है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव भी आप ले सकते हो, मतलब कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। इसी की हम बात कर रहे हैं कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, और उनके मार्केट शेयर का उनका छोटा शेयर भी होता है, पूरे मार्केट आउटपुट का उनका बहुत ही नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस भी होता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो हो गया हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिखा गया है कि एन इंडिविजुअल हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। अब देखिए, चूंकि आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वो हैं, है ना, बहुत सारे दुकान्स हैं, है ना, दुकान आपके बहुत सारे हैं, तो आपके पास चूंकि ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होता है वहां पे कि आप कुछ ना कुछ कहीं हद तक आपके पास प्राइस कंट्रोल करने का क्षमता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप डव लेने गए हो, डव क्वालिटी में बहुत बढ़िया है, राइट, उसके बाद हम लक्स लेने गए हैं, तो ये डव का प्राइस आप ज्यादा रख सकते हो। सपोज करिए डव का प्राइस 50 रुपए है और ये क्वालिटी में हो सकता है डव से थोड़ा सा कम हो, इसकी प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है, सपोज 40 रुपए, तो आपको यहां प्राइस में डिफरेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो वहां पे एक ही प्राइस होता था, यूनिफॉर्म प्राइस होता था, लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसी की वजह से आपको प्राइस भी इस मार्केट के अंदर वेरी करेगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स लीड्स टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट।
अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, इसकी वजह से कंपटीशन भी होता है। लेकिन ये वाला जो मैंने बातें बताई ना आपको, इसकी वजह से, जो प्राइस की वजह से, कहीं ना कहीं एक छोटे समय के लिए एक मोनोपोली पावर भी जेनरेट हो जाता है आपके प्रोड्यूसर के बीच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बातें करेंगे अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा है ना, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट। इट मींस कि आप अलग अलग, आपके पास अलग प्रोडक्ट है, हमारे पास अलग प्रोडक्ट है, जितने भी ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीकेशन आपसे पूछा जाता है कि इम्प्लीकेशन आप बता दीजिए क्या होता है अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है ना। अब यहां पे इम्प्लीकेशन ये है कि दैट द बायर ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई डिफरेंट फर्म। इम्प्लीकेशन ये है कि हम एज अ बायर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, हम खराब नहीं बोलेंगे, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कौन सी साबुन हम लेना चाहिए, कौन सा डव है, कौन सा लक्स है, कौन सा पेरिल है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट एज अ बायर कर सकते हैं। क्लियर, चूंकि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, एट्रीब्यूट वाइज, तो हम यहाँ पे एज अ बायर डिफरेंट प्राइस भी पे करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का इम्प्लीकेशन बन जाता है। और इसी की वजह से, चूंकि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि सेलर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहा है अपने प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं मैंने यही बातें बताई थी आपको कि इट गिव सम मोनोपोली पावर टू एन इंडिविजुअल फर्म टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं आपको मोनोपोली पावर मिल रहा है, कहीं छोटे हद तक, लेकिन मिल जरूर रहा है ना, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय कर सकते हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। राइट, सेलिंग कॉस्ट देखो, आप अपना प्रोडक्ट जो भी बनाया है ना आपने, जो भी आप अपने प्रोडक्ट बनाया है, अब ये जो प्रोडक्ट है आपका, फैक्ट्री से आपको रिटेल तक ले जाने में, है ना, जो भी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया है इन ऑर्डर टू सेल, आपको अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को बेचना ही है, तो आप अपने प्रोडक्ट पे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खर्च करते हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगता है, एक्सपेंडिचर लगते हैं कई तरीके के, ठीक है, आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज के कॉस्ट लगते हैं, तो ये सारे आपके सेलिंग कॉस्ट के अंदर ही कहलाते हैं। सेलिंग कॉस्ट केवल, ये मत देखिएगा कि सेलिंग कॉस्ट केवल एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट का ही कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट में हर वो कॉस्ट आता है जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया जाता है इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये सेलिंग कॉस्ट होता है। यहां पे एक बात बताइए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने देखा था, तो सेलिंग कॉस्ट चूंकि एक जैसा प्रोडक्ट था आपका, तो सेलिंग कॉस्ट वहां नेग्लिजिबल था, नहीं था। क्लियर, लेकिन यहां पे हर एक फर्म, हर एक जो सेलर हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो यहां पे हम ह्यूज सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। यहां पे जो सेलिंग कॉस्ट होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्लियर, ह्यूज, सभी को अपने अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है ना, सबको करना है, तो यहां पे सेलिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा होता है। राइट, अब ड्यू टू दिस रीजन सेलिंग कॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसी की वजह से हमारी जो सेलिंग कॉस्ट होती है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर। यहां ध्यान रखिएगा, हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे, वहां पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं था। हम जब बात कर रहे थे मोनोपोली मार्केट की, हमने वहां पे देखा था को इनिशियल सेलिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड है ना, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बहुत बड़ा सेलिंग कॉस्ट चाहिए होता है। राइट, चलिए अब बात करेंगे हम नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन की। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या है, देखो ध्यान रखिएगा, आप यहां मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डील कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो एक होता है आपका प्राइस कॉम्पिटिशन, दूसरा होता है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि आप प्राइस को छेड़छाड़ कर रहे हो, प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हो इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट, है ना। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब आप प्राइस को कहीं ना कहीं एक समय के लिए स्थिर कर देते हो, और प्राइस के अलावा जो जो भी अदर टेक्निक्स आप अपना रहे हो इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट, जैसे आप कोई डिस्काउंट दे दिया आपने प्रोडक्ट में, कोई कोई फ्री गिफ्ट बंटवा दिया, ठीक है, कोई आप क्रेडिट टर्म्स दे दिए आपने,
ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप नॉन प्राइस कंपटीशन कर सकते हो। यहाँ आप जब आगे आपको ओलिगोपोली बताई जाएगी वहां भी आप प्राइस कंपटीशन कर सकते हो, यहाँ भी आपको प्राइस कंपटीशन मिल सकता है, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक में ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, बहुत ज्यादा फर्म्स होता है, तो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ना ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कम्पीट इन अ नंबर ऑफ वे टू अट्रैक्ट कॉम्पिटिशन, अट्रैक्ट कस्टमर। तो आपका यहाँ प्राइस कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो, प्राइस को बढ़ा घटा सकते हो, सिमिलरली नॉन प्राइस कंपटीशन भी यहां अलाउड है आपके नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट फीचर है वो शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व है। अब देखिए शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व में हमने जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखा था वहां आपने टोटल कर्व को देखा था, टोटल रेवेन्यू कर्व का एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था? क्योंकि प्राइस वहां सेम था और प्राइस सेम होने की वजह से जो भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे थे सेम प्राइस के साथ मल्टीप्लाइड होते ज्यादा था, है ना। प्राइस सेम है इसीलिए वहां मार्जिनल रेवेन्यू सेम था, क्लियर। इसीलिए वहां आपको एवरेज रेवेन्यू सेम था। तो हमने जब भी डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ बनाया था वो इस प्रकार बनाया था कि आपका जो टोटल रेवेन्यू कर्व था वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कांस्टेंट कर्व था, ठीक है। लेकिन हमने मोनोपोली पढ़ा वहां पे, तो मोनोपोली में देख लिया कि मोनोपोली में को ज्यादा बेचने के लिए, अगर आप मोनोपोली में ऑपरेट कर रहे हो ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना ही पड़ेगा। प्राइस जैसे ही कम कर दिया वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में आ गया, है ना। अब सिमिलरली ध्यान रखिएगा बस ये कि इसकी जो कर्व होती है ना ये बिल्कुल जो मोनोपोलिस्टिक की कर्व होती है बिल्कुल आपके मोनोपोली की कर्व की तरह ही होगी। अगर हम यहाँ पे इसके टोटल रेवेन्यू ग्राफ की देखें मोनोपोलिस्टिक की, तो ये देखिए ये टोटल रेवेन्यू ग्राफ पहले उठता है फिर नीचे की ओर बढ़ जाता है, क्लियर। तो ये टोटल रेवेन्यू पहले ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे आने लगता है। और जो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है आपके वो क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। मोनोपोलिस्टिक में देखिएगा कि ये थोड़ा सा फ्लैट है, और मोनोपोली में अगर आपको देखना होगा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तो ये एकदम स्टीप हो जाता है। बस फर्क इतना ही है कि आपको मोनोपोली में थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा फ्लैट कर्व हो जाता है हमारा। रीजन क्या है कि आपको मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसीलिए हमारी फ्लैट कर्व बनती है एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व की बात करें तो अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो हमारे टोटल रेवेन्यू मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में लगभग एक जैसा बनता है, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात की जाए तो हमारी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दोनों केस में आपके मोनोपोली में थोड़ी सी स्टीप बनेगी, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा फ्लैट कर्व बनेगा। एंड क्यों बनेगा ये, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये था आज छोटा सा कंसेप्ट जिसमें हमने आपको बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट में, है ना, मार्केट के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि ओलिगोपोली कंसेप्ट हमारा क्या है और उसमें हम कैसे क्या कर्व देखते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच एंड होप कि आई बिलीव कि आपको ये वीडियो सारा पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।